हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए लाई हूँ स्वीट कॉर्न और पनीर से बनने वाली एक डिफरेंट रेसिपी, जिसका नाम आप लोग अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। तो हमने इसे तैयार किया जो खाने में काफ़ी टेस्टी थी। तो स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। गैस पर हमने पैन रखा और इसमें पानी डाल लिया है और स्वीट कॉर्न डाले। स्वीट कॉर्न को हम यहाँ पर एक बॉईल आने देंगे और इसमें बॉईल आने लगा है तो हम इसे हटा लेते हैं। और गैस पर हमने तवा रख लिया, तवे में हमने बटर डाल लिया है। हमने यहाँ पर पनीर को छोटे छोटे पीसेज में कट करके रखा हुआ है और बटर भी हमारा मेल्ट होने लगा है, तो हम पनीर के पीसेज को तवे पर डाल लेते हैं। यहाँ पर हम एक बिल्कुल डिफरेंट टाइप की रेसिपी तैयार करेंगे। शाम का समय था, तेज़ी से बच्चों को भूख लगी, तो समझ में नहीं आता है कि हम फटाफट से क्या तैयार कर सकते हैं। तो हमने जो भी चीज़ हमारे पास रखी हुई थी उसी से एक हल्का सा नाश्ता तैयार किया जो सभी को बहुत पसंद आया। तो यहाँ पर पनीर डाले और पनीर में हम ब्राउन कलर की कोटिंग आने देंगे और बढ़िया से इसे रोस्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर पनीर में ब्राउन कलर की कोटिंग आ गई है तो हम स्वीट कॉर्न इसमें डाल लेते हैं। स्वीट कॉर्न हमने इसमें डाले और इसे भी रोस्ट करेंगे। यहाँ पर आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग वेजिटेबल्स ले सकते हैं जो आपको पसंद है। तो हमने यहाँ पर सिर्फ स्वीट कॉर्न, पनीर और टमाटर से ये रेसिपी तैयार की जो काफ़ी टेस्टी लगी। तो हमने स्वीट कॉर्न को अच्छे से यहाँ पर रोस्ट किया और बहुत ज़्यादा हमें रोस्ट नहीं करना है, बिल्कुल हल्का सा हम इसे रोस्ट करेंगे। इन्हें हमने हल्का सा रोस्ट किया और उसके बाद सॉल्ट डाल लिया है और हल्दी पाउडर डाल लेंगे और जीरा पाउडर डाल लिया है और गरम मसाले डालेंगे और काली मिर्च पाउडर डाल लेते हैं। और टमाटर को हमने पहले से यहाँ पर काट के रखा है, उन्हें भी हमने इसमें डाल लिया। इन्हें डालने के बाद इसे हम मिक्स कर लेंगे। इन्हें हमने मिक्स किया और दो हरी मिर्च हमने कट करके रखी हुई हैं, उन्हें भी हम इसमें डाल लेते हैं। मिर्च डाल ली है और यहाँ पर हमने चिली फ्लेक्स लिया है, इसे भी हम इसमें डाल लेते हैं। और ओरिगैनो ले लेते हैं, इसे भी हम इसमें डाल लेंगे। इन्हें डालने के बाद अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, शाम का समय था और बच्चों को तेज़ की भूख लगती है। शाम के समय में हल्का सा कुछ खाने को मन करता है और समझ में नहीं आता है कि हम रोज़ रोज़ क्या बनाएं। एक ही चीज़ सभी को पसंद नहीं आती है, तो हमने यहाँ पर जो भी चीज़ हमारे पास घर में रखी थी उनसे ये नाश्ता तैयार किया। अब इसे हमने यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो आधा नींबू ले लेते हैं और उसका रस हम इसमें डाल देंगे। नींबू के बीज नहीं है इसमें और इसे हम सीधे ही डाल लेंगे। तो नींबू का रस हमने इसमें डाल लिया है और फिर से इसे हम मिक्स कर लेंगे। तो हम कभी भी जो हमारे पास है उससे एक अच्छा सा नाश्ता तैयार करते हैं। तो इस ढंग से हमने जो नाश्ता तैयार किया, इसका नाम क्या है ये तो हमें भी पता नहीं, लेकिन हमने जो नाश्ता बनाया वो बहुत टेस्टी हमें लगा। और यहाँ पर हमने ले ली है थोड़ा सा चीज़ को इसके ऊपर से हम ग्रेट कर लेते हैं। पूरे ऊपर से इसे ग्रेट कर लेंगे और गैस को हमने यहाँ पर बिल्कुल लो फ्लेम में किया हुआ है, जिससे कि हमारी चीज़ मेल्ट हो जाएगी और बढ़िया से हमारा एक नाश्ता तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने इसमें चीज़ डाली और चीज़ हल्की सी मेल्ट होने लगी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा एक बहुत बढ़िया सा नाश्ता बनकर तैयार हो गया है जो बच्चों को काफ़ी पसंद आया। तो इस प्रकार से हमने शाम का नाश्ता किया है तैयार, और आप भी इसे ऐसे ही बनाकर तैयार कर सकते हैं और चाहें तो इसमें अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग और भी सारी चीज़ें मिलाकर इसे बना सकते हैं और ज़्यादा हेल्दी। तो ये हेल्दी भी है और खाने में टेस्टी भी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने इसे अपने घर में रखी हुई चीज़ों से इस प्रकार से तैयार किया है, और आप भी अपने घर में जो चीज़ें रखी हैं उससे कर सकते हैं बढ़िया सा एक नाश्ता तैयार। और अगर आपको आती है मेरी वीडियो पसंद तो प्लीज़ कीजिएगा लाइक, अपनी फ्रेंड्स में शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।